विचित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 18, 19, 20 फरवरी 2022 को भोपाल में होने जा रहा है। इस चौथे नेशनल फिल्म फेस्टिवल का भारत भवन में ऐप का लोकार्पण किया गया। यह चौथा राष्ट्रीय शॉर्ट एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल है जो भोपाल में आयोजित होगा। भारत भवन में ऐप लोकार्पण के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, प्रसिद्ध अभिनेता पवन मल्होत्रा, प्रख्यात पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव, नितिन शुक्ला और माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश ने भाग लिया। वहीं दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का भोपाल की ओर लगातार आकर्षण बढ़ रहा है। फिल्म फेस्टिवल से भोपाल के प्रति लोगों में रुझान और बढ़ेगा, साथ ही नए निर्माताओं को भी प्लेटफॉर्म मिलेगा। इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से फिल्म के क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ युवाओं को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में देश के बड़े बड़े निर्माताओं एवं फिल्मकारों से मिलने का अवसर मिलेगा। यह फिल्म फेस्टिवल 18, 19, 20 फरवरी 2022 को भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के नए कैंपस बिशनखेड़ी में आयोजित होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में सिनेमा की बड़ी हस्तियां रहेंगी। इस आयोजन में विद्यार्थियों को फिल्म स्क्रीनिंग मास्टर क्लासेस में भाग लेने का अवसर मिलेगा, साथ ही आम लोग भी इसके सभी आयोजन में 3 दिन तक भाग ले सकेंगे। चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल एक बहुत उत्तम प्रयास है। ये एक बहुत बड़ा मंच है युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। जो आने वाला दौर है वो शॉर्ट फिल्मों का दौर है, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी होती जा रही है। और शॉर्ट फिल्म की एक विशेषता और होती है कि कम में ज़्यादा को दिखाना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज युवाओं के सामने होता है कि अपनी प्रतिभा को 10, 12, 13 मिनट के अंदर वो कैसे दिखा सकते हैं। फिल्में किसी भी सभ्यता समाज के लिए एक बहुत ही सशक्त और प्रभावी माध्यम है। इससे व्यक्ति के अवचेतन मन का भेदन बिना उसकी जानकारी के हो जाता है और समाजों के मूल्य तक परिवर्तित हो जाते हैं। चित्र भारती कृत ये जो शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम युवाओं को अधिक से अधिक इसमें जोड़ पाए। इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, सिनेमाटोग्राफी इत्यादि का एक्सपोजर सभी युवाओं को प्राप्त होगा।